दिवाली। अब हम दिवाली पे अगर मजमून लिखने को आए तो किस तरह लिखेंगे? दिवाली हिंदुओं का पाकीज़ा त्यौहार है, अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 बरस के वनवास और लंका को फतह करके के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। वहाँ के लोगों ने आपकी वापसी की खुशी में घर घर घी की चिराग जलाए। इस मौके पर हिंदू अपने घरों और दुकानों की सफाई करते हैं। ताजिर लोग इस दिन अपने खाते अकाउंट्स शुरू करते हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों और दुकानों में मोमबत्तियाँ और दूसरी चीज़ों से रोशनी करते हैं। बच्चे और बड़े मिलकर रात में आतिशबाजी जलाते हैं। दिवाली की रात में लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदार से गले मिलते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती है। हकीकत में त्यौहार फतेह की अलामत है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का डट का मुकाबला करें और हिम्मत नेज हौसले से काम लें। दिवाली की रात में लक्ष्मी पूजा को ख़ास अहमियत दी जाती है। लोग अपने घर के जेवरात और कीमती चीज़ें लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति के सामने रखते हैं और पूजा करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये दिवाली से रिलेटेड मालूमात भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर पेपर में आपके लिखने को आता है तो इस तरह आप लिख सकते हैं, और इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी बताइए। शुक्रिया।